मेष राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में उत्तम सुखों का लाभ ले रहे होंगे। दोस्तों हम आपसे भी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस नई और सबसे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आप सभी को बता दें आज का यह वीडियो आप सुबह के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज शाम के 4:40 के बाद आप सुबह के जीवन में बड़ी और भयंकर घटना घटने वाली है। दोस्तों ये घटना इतनी बड़ी है कि दिल टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बात सुनकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराता है, क्योंकि दोस्तों ये घटना आप सभी के लिए बिल्कुल ही सकारात्मक होगी और दिल उनका टूटेगा जो लोग आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी की कुंडली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ग्रह गोचर बहुत ही बड़ा शुभ संदेश दे रहे हैं और यह संदेश आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। परंतु दोस्तों आप सभी को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक महत्वपूर्ण बात विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी को बता दें आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी की कुंडली का लेखा जोखा बदलेगा। जो कुंडली की दशा है वह अब बदलने वाला है। आप सभी की कुंडली में पहले राहु बहुत ही बुरा बुरा परिणाम दे रहे थे, लेकिन अब राहु आपकी कुंडली में बिल्कुल ही ऐसी जगह शांत बैठेंगे जहां से आपको उनका बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। और दो सही भाषा में शुक्र और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभावशीला नजर आ रहे हैं। दोस्तों जब यह हद हो गया, प्रभावशील हो जाते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव होना कोई बड़ा बात नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो लोग इसके लाभ को उठा पाते हैं वह अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और वही जो लोग इस मौके का लाभ नहीं उठा पाते हैं वह दूसरे की तरह की को देखकर पछताते हैं। जी हां दोस्तों, और इन सभी के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको इन ग्रह गोचर का लाभ उठाना है, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो को कहीं अकेले में जाकर अंत तक शांत मनुष्य देख लीजिएगा। और जो भी बात हम आप सभी को बताने वाले हैं उन बातों को आप बिल्कुल ही काम लगाकर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब आप इन बातों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन सफल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों हर एक इंसान के पीछे एक ऐसा होना होता है जिसे सब कोई नहीं पहचान सकता है। सबको तो लगता है कि यह एक नॉर्मल इंसान है, जैसे राह पर चलता हुआ एक इंसान है, इस तरह यह भी होगा। लेकिन दोस्तों सबके अंदर एक अलग अलग होना होता है जो उसकी एक पहचान बना देता है। और दोस्तों आपका भी अंदर एक हुनर है, यदि आप इस ऑनर को पहचान जाएंगे तो आप भी इस समाज में अपना एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको समय के साथ ग्रह गोचर के साथ अपने जीवन में यह बदलाव जरूर करना होगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें यह समय आप सुबह की कुंडली में शुक्र और शनि बहुत ज्यादा प्रभावशील है, तो आपकी कुंडली में धन योग और राजयोग का निर्माण करेंगे। इसका लाभ आपको कैसे उठाना है विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों यह समय आपको 5 बड़े क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों वह 5 बड़े खुशखबरी अब आप सभी को मिलने वाली है जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, परंतु एक क्षेत्र में आपको सावधान हो रहना है और सावधान होकर कदम बढ़ाना है। दोस्तों इंसान आगे तो सब बढ़ता है, लेकिन जो सावधानी के साथ आगे बढ़ता है वह अपने जीवन में शुभ समय में भी ग्रह गोचर का शुभ फल प्राप्त कर लेता है। इसीलिए दोस्तों हम आपको जो भी बात बताएंगे वह आपके लिए 100% सटीक होगा और आप सभी के जीवन को हमेशा आगे बढ़ने का अधिकारी करेगा। तो दोस्तों
वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए भाग्यशाली होता है। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण ज्ञान से। यह महत्वपूर्ण ज्ञान आप सभी के जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा दोस्तों, इसलिए इसे आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों की शान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा ही सुखी था और एक बड़ा ही दुखी था। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी देव योग से स्वर्ग लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले। स्थिति यहां भी पहले जैसे ही थी, जो पृथ्वी में सुखी था यहां भी प्रश्न आता का अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कला आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था यहां भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के शमी पर जाकर कहा, भगवान लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहां भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर की भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मां की देन है। मनुष्य हो तो नर्क में भी सुख ही है, और मन शुद्ध नहीं तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। जी हां दोस्तों, तो यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो है दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं, आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी के जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटना होने वाली है, और कौन कौन से 5 बड़े खुशखबरी आपको कौन कौन से 5 क्षेत्र में मिलने वाले हैं, और कौन से 1 क्षेत्र हैं जहां पर आपको सावधान रहना होगा। सभी बातें ग्राहक गोचर के आधार पर होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी की कुंडली में भगवान शनिदेव की कृपा रहने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव अब आप सभी के जीवन में यह बड़े बदलाव करने वाले हैं। अब आप सभी के जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, यह कलयुग वैसा नहीं है जैसा आप हैं। यहां पर सब लोग एक जैसे नहीं हैं। दोस्तों जिसे शुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह है, उसी प्रकार कोई अच्छा इंसान भी है तो कोई बुरा इंसान भी है, कोई अच्छा कार्य करता है कोई बुरा कार्य करता है। लेकिन दोस्तों जो लोग बुरा कार्य नहीं करता है और बुरा करने वालों का साथ गलती से भी देता है, तो वह इंसान इसी के कारण बुरा हो जाता है, और इस कलयुग में सब कुछ कर्मों का ही खेल है। दोस्तों यदि आप अच्छा करोगे, अच्छाई का साथ दोगे, तो यह बात समझ लेना भगवान आपके साथ है, और यदि गलत हो रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं तो यह बात याद रखिएगा कि उसकी सजा आपको भी मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आज शाम से आप सभी को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। यह समय कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को सावधान रहना है। ऐसे लोग से बिल्कुल भी आपको दोस्ती नहीं करना है जो अनजान है, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आप सभी के जीवन में आकर आपका शोषण तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपका जीवन को भी, आपके कर्म को भी खराब कर देंगे, जिससे आने वाला आपका भविष्य धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो दोस्तों यह समय आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, विशेषकर जब आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की स्थिति प्रबल हो। जी हां दोस्तों, यह समय भगवान शनिदेव आपके जीवन में है तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने शनिदेव कर्म के देवता है जो अच्छे कर्म करते हैं। भगवान शनिदेव उसके साथ रहते हैं और उसके जीवन में भले ही कितना संकट आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन उसे उसके संकट से बाहर अवश्य ही निकलते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराता है। भगवान शनिदेव आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान शनिदेव को बहुत ही क्रूर देवता मानते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, भगवान शनिदेव बहुत ही भोले देवता हैं। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। यदि कोई पाप करता है तो उसे उसका फल देते हैं, बोल ही देने में देर लगे।
लेकिन आज यदि कोई पापी इंसान अपने जीवन में सुख भोग रहा है तो याद रखिएगा कि उसके लिए भगवान शनिदेव सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय आने पर उसकी उसकी सजा मिल ही जाएगा। यह विधि का विधान है और इस कलयुग में यही चलता है दोस्तों। भगवान है शनिदेव इतने भोले हैं कि यह एक छोटे से काले की तिल से, काला वस्त्र से मेहरबान हो जाते हैं। यदि आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में बस एक काला सा तिल किसी गरीब इंसान को जाकर दे देना है, जो असहाय है, जो जरूरतमंद है, उसकी मदद कर देना है। अपनी इच्छा के अनुसार जितने में आप सक्षम हैं उतना सहायता यदि आप करेंगे तो भगवान शनिदेव इतने भोले हैं कि वहां आपके ऊपर तुरंत ही परेशान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, और इसका फल आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शनिदेव के घर कोई खाली हाथ नहीं लौटता है दोस्तों। जो भी जाता है भगवान शनिदेव उसे कुछ ना कुछ जरूर ही देते। और दोस्तों, अब आप सभी के जीवन में आज शाम के 4:40 के बाद भी आपको 5 बड़ी खुशखबरी देने वाले, क्योंकि यह समय आपकी कुंडली में शुक्र और शनि बहुत ज्यादा प्रभावशील है, तो आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वह खुशखबरी कौन कौन सी है, चलिए आगे इस वीडियो में विस्तार से आप सभी को बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं। इसके बदले हम आपसे सिर्फ एक लाइक चाहते हैं, और वह भी आप नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल आखिर कैसे बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी की कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ऐसा बदलाव आपके जीवन में मानव पहली बार हो रहा है। ऐसी ऐसी घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है। इतनी बड़ी और भयंकर घटना होगी कि दोस्तों आपके दुश्मनों के दिल टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। आपके दुश्मन सोचेंगे कि आखिर आप सभी के जीवन में इतना सारा खुशखबरी कैसे आ रहा है। आप सभी के दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। आपके गांव और मोहल्ले में आपकी नाम की जोर जोर से चर्चा होने वाली है। सब लोग आपस में कहेंगे, वह इसकी क्या किस्मत है भगवान, ऐसी किस्मत सबको दे। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का मन और सम्मान सबसे ऊपर जाने वाला है। दोस्तों आपने जितना अपने जीवन में कष्ट और दुख दर्द को झेला है, आपको उतना ही ज्यादा अब सुख प्राप्त होने वाला है। अब आप बिल्कुल ही एक राजा की तरह जीवन जीने वाले, और जिएंगे भी क्यों नहीं, आपने अपने जीवन में इतना मेहनत भी किया है। ऐसा मेहनत कोई भी नहीं कर सकता जितना आपने किया है। और दोस्तों अब आपको इन सभी का फल भी मिलने वाला है। पहले जो खुशखबरी है जो आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाली है, क्या चीज, कलयुग की सबसे बड़ी चीज है और कलयुग इसी से मानव चल रहा है, वह दोस्तों करियर। जी हां दोस्तों, करियर के क्षेत्र में आपको एक बड़े खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप सभी ने करियर के क्षेत्र में पहला कदम बढ़ाया है तो अब आपको आपके करियर में सफलता का एक नया किरण दिखेगा, जिससे आपके होठों पर मुस्कान छा जाएगी। जी हां दोस्तों, और यदि आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं तो आपको कार्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। आप सभी का कार्य या समय दुगनी तेजी से बढ़ने वाला है। आप सभी की कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है वह धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। आप सभी के कार्य में धन से जुड़े जो भी समस्या थी भाभी समाप्त होगी। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, तो आप सभी को बता दें यदि आप नौकरी की तलाश पिछले कई समय से कर रहे थे और आपको आपके मन के अनुसार कोई नौकरी नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों यह समय पर यदि भाग्यशाली साबित होने वाला है, यह समय में आपको एक ऐसा नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और यह आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदलने में सहायक सिद्ध होंगे। जी हां दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी अवसर आप सभी को मिल रहा है उसे छोटा समझकर ठुकराने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह समय आप सभी की कुंडली में बहुत ही अच्छे योग का निर्माण हुआ है और इसमें जो भी आपको लाभ के मौके आ रहे हैं उसका लाभ उठाना है। अभी आपके यहां नहीं सोचा है कि हम मौका छोड़ता है या फिर बाद है, बस आपको उसे मौके का लाभ उठाकर आगे बढ़ाना है। आगे चलकर आपको पता चलेगा यह चीज आपके लिए कितना कीमत है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ साथ बहुत सारे से लोग हैं जो पिछले का,
इसमें से एक ही वेतन से परेशान है, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा होगा। आपकी वेतन में वृद्धि हो सकती है, बस आपके कार्य से बहुत ज्यादा परेशान होंगे और अपने मन से आपको यह शुभ समाचार देंगे। दोस्तों, अगला जो खुशखबरी है वह आपको आपका पारिवारिक जीवन में मिलने वाला है। यदि आप सभी के पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी नोक झोंक थी तो वह अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और आप सभी का पारिवारिक जीवन पहले से मधुर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी आप सभी को कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना है, जिसे आप अपनी बात को अपने पार्टनर के साथ बैठकर समझकर हर एक समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो यह रास्ता अपनाना आपके लिए यह समय बेहतर होगा और आपके पार्टनर के सहयोग से आप सभी का कार्य और जो पारिवारिक जीवन है दोनों ही बेहतर होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शादी की बंधन में बंधन के लिए तैयार होंगे। बहुत प्रयास से आपका कार्य, आपका जो मंजिल है वह आपको नहीं मिला था, लेकिन अब आपको आपका मंजिल मिलने वाला है। अब आप सभी के प्रेम संबंध में परिवार की समिति मिलने वाली है और अब आप सभी की एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से अपने रिश्ते को खराब बिल्कुल भी मत होने देना और जो भी बात आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसे पर अच्छी तरह से विचार कर ले, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचे। तीसरी बड़ी खुशखबरी आप सभी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलने वाला है। यदि आप पिछले कई इसमें से लंबित रोगों से परेशान हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, यह समय से आपको वह रोग खत्म होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी कुंडली में यहां समय बैठे हैं और शनि की स्थिति अच्छी है, तो आप सभी की सेहत पहले से बेहतर होने वाली है। बस आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। दोस्तों, भगवान आपको सब कुछ देंगे, पर कोशिश आपको करनी होगी। यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लापरवाही ना करें और डॉक्टर से सलाह लें और उसके अनुसार आप दवाई लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान शनिदेव आप सभी की जो भी पीड़ा है उसे समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों, यह कलयुग है, यहां भगवान चमत्कार नहीं करते हैं, जैसे करते हैं लोगों को पता नहीं चलता। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि भगवान आपके साथ नहीं है, भगवान आपके साथ है। आप कोशिश कीजिएगा तब भगवान आपको बल देंगे, बुद्धि देंगे और ताकत देंगे। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भगवान भी आपसे कुछ नहीं रहेगा। आपका जीवन जैसा है वैसा ही चलता रहेगा और आपके कर्मों के अनुसार आपको फिर मिलेगा ही। इसीलिए दोस्तों, वक्त रहते आप सावधान और सचेत हो जाएं। चौथा जो बड़ी खुशखबरी है वह आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र से हैं, पढ़ाई करके अपना नाम रोशन करना है चाहते हैं, पढ़ाई करके अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं जिससे वह उनके ऊपर गर्व करें, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आया है। शुक्र प्रबल होने से शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होते हैं, तो यह समय आपको शिक्षा से एक नया मुकाम प्राप्त होने वाला है। आपकी मेहनत की सहारा ना यह समय होने वाली है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है जिससे आपकी खुशियों की कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, पांचवा बड़ी खुशखबरी आपके घर से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप सभी के घर में बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही थी। बहुत सारे कार्य बनते बनते रुक जाते थे, बहुत सारे सोचा हुआ सपना पूरा होते होते अधूरा रह जाता था, आपके घर का बरकत ही रुक गया था। तो दोस्तों, अब ग्रह गोचर में जो बदलाव हुए हैं, आपको आपके जीवन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आपका जो भी बिगड़ा हुआ कार्य है वह फिर से बन जाएगा। आपके घर की स्थिति है वह अब बेहतर होने वाली है और जो भी घर में बरकत रुका हुआ है वह फिर से आना चालू हो जाएगा। इसके लिए आप कुछ महत्वपूर्ण उपाय को जरूर कीजिएगा जो बिल्कुल ही सरल है। रात को सोने से पहले भगवान को अपने पूरे दिन की बात जरूर बताना। अगला जो बात है वह एक सावधानी है, लेकिन यह बहुत बड़ा उपाय का कार्य करता है। जी हां दोस्तों, यह बात है स्त्री का अपमान भूल कर भी मत करना। अपने घर में कोई स्त्री को अपमानित करने की गलती भूल कर भी मत करना। बाहर में भी यदि कोई स्त्री आपको देखे तो उसे सम्मान के ही नजरों से देखना। यदि आप स्त्री का सम्मान करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री में माता लक्ष्मी का वास होता है,
और जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है, तो उसके ऊपर माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और उसके घर में कभी भी कोई आपत्ति, विपत्ति और समस्याएं नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप यह गलती कर रहे हैं या फिर किए हैं, तो अब से भूलकर भी यह गलती मत करना। और आपसे गलती हुई है तो माता लक्ष्मी के लिए आपको उसके मंत्र का जाप ओम भूर भुवा स्वाहा 108 बार करके 8 शुक्रवार को कीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी की जो भी आप सभी के ऊपर कूद दृष्टि है वह समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी की पूरी कृपा आप सभी के घर और परिवार पर होगा। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप सभी के घर में कर्ज की समस्या है, तो आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन किसी भी गरीब और जरूरतमंद को भजन का दान जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ा हुआ समस्या है वह समाप्त हो जाएगा। घर में सुख समृद्धि लाने और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल उपाय और टोटके हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले, घर की सफाई और सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। घर में गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार घर में गौमूत्र का छिड़काव करना या गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ऊ का चिन्ह बनाएं, यह शुभता और समृद्धि को घर में लाने में सहायक होता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन सुबह सुबह तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और धीरे धीरे कर्ज के बोझ से छुटकारा मिलता है। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, तो हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके अलावा घर के मंदिर में कुबेर यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। घर के दक्षिण पूर्व कोने में लाल रंग की वस्त्र या लाल रंग का कोई शोपीस रखें, इससे आर्थिक समृद्धि आती है। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी सदस्यों को थोड़ी सी केसर मिश्रित दूध का सेवन करवाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत प्रभावशाली होता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का चित्र या प्रतीक लगाएं, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करें और राम नाम का जाप करें, इससे शत्रुओं का नाश होता है और घर में शांति बनी रहती है। घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें और वहां एक छोटी सी घंटी टांगें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मुख्य द्वार के पास अशोक या तुलसी का पौधा लगाएं, इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में पानी का स्रोत जैसे कि फव्वारा या एक्वेरियम रखें, इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों को करते समय श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी उपाय पूरी तरह से कारगर नहीं होता, इसलिए जब भी कोई उपाय करें, पूरे मन से और विश्वास के साथ करें। भगवान पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच रखें, धीरे धीरे सभी समस्याएं दूर होती जाएंगी। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का अनुभव और परिस्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी उपाय को करते समय धैर्य और संयम बनाए रखें। इन छोटे छोटे उपायों से न केवल घर में सुख शांति आएगी, बल्कि आप स्वयं भी मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक महसूस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।